जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जयपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर की अगवानी, कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। डूंगरपुर में रक्षाबंधन के अवसर पर शहीद सैनिकों के घर पहुंचकर वीरांगनाओं का किया गया सम्मान, विधायक शंकरलाल डेचा और जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की अपील। प्रमुख शासन सचिव सहित नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों ने किया जयपुर शहर का दौरा, जलभराव की समस्या को लेकर दिए जरूरी निर्देश। चित्तौड़गढ़ में जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने यूआईटी और नगर परिषद के अधिकारियों के साथ की बैठक आयोजित, अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण को हटाने के दिए निर्देश। चित्तौड़गढ़ में जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ शिक्षा विभाग ब्लॉक स्तरीय वाकपीठ, साइबर अपराधों को लेकर विद्यार्थियों को किया जागरूक। बालोतरा में जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, राहत कार्यों को लेकर प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के दिए निर्देश। बारा में वरिष्ठ साहित्यकार की चतुर्थ काव्य कृति प्रयास का हुआ विमोचन, हर घर तिरंगा हर दिल तिरंगा की थीम पर काव्य गोष्ठी में बरसा देशभक्ति का रंग। उदयपुर में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया एमबी अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों से घायल छात्र के स्वास्थ्य के लिए जानकारी, बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया की नई सोच के साथ प्राकृतिक संस्थान सुहागपुरा पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ आयोजित, बच्चों ने सर्जिकल स्ट्राइक कार्यक्रम की दी प्रस्तुति। बालोतरा में त्योहार पर मिठाई, सूखे मेवे उत्पादों के साथ डिब्बा तोलने पर अंकुश लगाने के लिए चलाया जा रहा है विशेष अभियान, प्रवर्तन निरीक्षक दल करेगी जाँच। जोबनेर मेडिकल एसोसिएशन के तत्वावधान में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सेमिनार का किया गया आयोजन, बच्चों को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए किया गया जागरूक। बारा में जिला कलेक्टर ने पीएम जनमन योजना के तहत निर्माणधीन कार्यों का किया निरीक्षण, कार्य में प्रगति लाने व गुणवत्ता पर ध्यान देने के दिए निर्देश। जोधपुर में मेड़ती गेट के बेलदार के बांस में दीवार गिरने से तीन लोग मलबे में दबे, तीनों व्यक्तियों को निकालकर इलाज के लिए पहुंचाया गया अस्पताल। और प्रदेश के राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में धारदार हथियार और नुकीली वस्तुएं लाना रहेगा निषेध, माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने दिए आदेश जारी।